दिल्लीर विवादीय मदनीति मामला सीबीआई ऑफिस रे हाजर हेले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीबीआई ऑफिस बाहर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाई छी। केजरीवाल को सहित पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एवं अन्य कैबिनेट मंत्री जाउथवा बेले पुलिस समान को अधा रास्ता रे अटकई छी। पुलिस कार्यानुष्ठान को विरोध करी सीबीआई हेडक्वार्टर्स बाहर धारणा देछंती आपर नेता। सेबडे सीबीआई रे हाजर हेबा पूर्वरु सोशल मीडिया रे वीडियो शेयर करी बीजेपी एवं केंद्रीय एजेंसी उपरे बरसी छंती केजरीवाल। 5 मिनिट 27 सेकंड रो वीडियो रे केजरीवाल कहिछंती एही लोक माने बहुत शक्तिशाली बीजेपी इंगित रे सीबीआई काम करूछि मत गिरफ करबा को बीजेपी निर्देश दै थई पारे। सीबीआई बीजेपी द्वारा परिचालित बोली केजरीवाल कहिछंती। केंद्र सरकार सत्ता लोभरे एकछत्रवाद शासन चलैथिबा कहिछंती केजरीवाल। तबे सीबीआई रे हाजर पूर्वरु केजरीवाल राजघाट रे पहुंची गांधींकर स्मृति रे पुष्पमाल्य अर्पण करते। सेपटे केजरीवाल को शवन को नहीं आप समर्थक दिल्ली राजरास्तार प्रतिवाद करिछंती। पुलिस केतेज प्रतिवादकारी को उठाई नहीं पूर्व समान मामलें गिरफ हो जेल में अच्छा पूर्वतन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। दिल्ली की तरक्की को देख के पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी, लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो। 75 साल तक इन्हीं ताकतों ने भारत को पिछड़ा रखा। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि देश में स्कूल बने, वो नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिले। आज उन्हीं सब राष्ट्र विरोधी ताकतों से मैं कहना चाहता हूं कि अब भारत रुकेगा नहीं। लोग अब बहुत बेचैन हो चुके हैं। भारत तरक्की करेगा, भारत आगे बढ़ना चाहता है, देश तरक्की करना चाहता है। तुम हम भारत वालों को, भारतवासियों को जितना मर्जी परेशान कर लो, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से भारत रुकने वाला नहीं है, भारत तो आगे बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल सही कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से प्रधानमंत्री मोदी जी को डर लगता है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। एक ऐसे मैटर में जहां पे कहते हैं हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत अभी भी देश के सामने वो नहीं रखा है। गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है हमें। ये रामलीला ग्राउंड से निकली हुई पार्टी है, ये किसी पार्टी द्वारा निकाले गए या छोड़े गए किसी आदमी के पार्टी नहीं बनाई। जेल हमारे लिए, गिरफ्तारी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जो करना कर लो, हम सच्चे हैं और सच्चे हैं तो जाके वहाँ सच पाएंगे। सच का दिन नहीं चढ़ेगा, सच का सूरज चढ़ेगा। जो लोगों के दिल दिमाग से ये डर नहीं जाता, मैं उनको कहना चाहता हूँ रात लंबी होने का मतलब सूर्य नहीं जाता, सूरज चढ़ेगा, सत्य का सूर्य चढ़ेगा इसी धरती पर। आम आदमी के लिए जो एक अनोखा मॉडल प्रस्तुत किया सरकार चलाने का केजरीवाल जी ने, उसकी सजा उनको मिल रही है। इस जुर्म के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। और मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा। और जो हमने सपना इस देश के लिए देखा है, मिशन जो अरविंद केजरीवाल जी का है देश को नंबर 1 बनाने का, वो मिशन जारी रहेगा। उसके लिए एक एक कार्यकर्ता मर मिट के साथ में खड़ा रहेगा। 3 बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी को धूल चटाई, फिर पंजाब में जाकर धूल चटाई, अब अन्य राज्यों में हमारा विस्तार हो रहा है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इस रफ्तार से आज तक आजाद भारत के इतिहास में कोई पार्टी नहीं बढ़ी। ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हजम नहीं हुआ। इसके चलते आज तमाम एजेंसियां ईडी सीबीआई को छोड़ दिया है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। 100 बार बुलाएंगे अरविंद केजरीवाल, 100 बार जाएंगे। अरविंद केजरीवाल क्या कर सकते हैं इसके अलावा? ऊपर से फरमान आ जाएगा कि इनको बंद कर दो, तो सीबीआई ईडी वाले बंद भी कर देंगे। अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? बंद कर दिए जाएंगे। मगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये देश आगे बढ़े, ये सबको सोचना पड़ेगा। अगर सब लोग आपस में इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, प्रधानमंत्री जी हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरीके से टारगेट करेंगे, विपक्षी दलों के नेताओं को इस तरह से टारगेट करेंगे, तो ये लड़ाई झगड़े से तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। केजरीवाल स्पष्ट करते थर डाक आम जीव सहयोग करू, कारण तदंतरे सहयोग करवा आम आदमी पार्टी काम। किंतु ये जो राजनीति चली दुर्नीतिग्रस्त बोली प्रमाणित करने
कारण मोदी सरकार दुर्नीतिग्रस्त बोली लोक जाणी सारे तेणु से चाहते अरविंद केजरीवाल को भी लोक दुर्नीतिग्रस्त कहतु से ये नाटक ताकु लोक जाणी सारे यार राजनैतिक मुकाबला हे उद्देश्य है अरविंद केजरीवाल को रोकवा पार्टी आम आदमी पार्टी जो सारा भारत विस्तार लाभ करुच्ची रोकवाई यहाँ उद्देश्य मद दुर्नीति मद दुर्नीति मुझे आज पर्यंत बीजेपी नेता मान को पचारि भाई से मद दुर्नीति कौन जिनसटा कौन से भी कही पारना आने कहते शहे कोटी टाँचा नहीं हजार कोटी टाँचा नहीं तुम तो सबुआ छापा मार से टाँचा गला कड़े मनी ट्रेल कहीं अधिक चर्चा करवा राज्यर वरिष्ठ जनाशुना सांबादिक श्रीयुक्त प्रदोष पट्टनायक आम सहित फोनलाइन में जोड़ी होती श्रीयुक्त प्रदोष पट्टनायक आप जो अभियोग गुड़िक आणुची जे ये जो मद दुर्नीति मामलार अभियोग स्पष्टता ना कौन पाइल से स्पष्टता ना एवं सीबीआई बारंबार डाकिकी एम को हैरान करुच्ची अरविंद केजरीवाल क्षेत्र में सामान कथा घटी सर केमती देखुं आज घटना को लेकिन आप जोरदार विक्षोभ कर निश्चित भाव अविनाश देखते गत अनुधान जदि करवा तेज देखा जे केजरीवाल विषय धारावाहिक भाव में सी भारत राजनीति में स्वीकार कर बर्तमान जन अत्यंत प्रभावशाली राजनेता एवं दुर्नीति विरोधी आंदोलन तांकर सृष्टि जन्म तांकर एवं जदि आप देखिए किसी दिन घटनावल आगे प्रधानमंत्री मोदी शिक्षागत योग्यता नहीं सी से प्रश्न करते पचीस हजार गोटे गुजरात मकद जोजमाना भी कला किसी दिन तेज आम आदमी पार्टी जातीय दल मान्यता पाई ये समस्त घटना प्रभाव को आम यदि देखा ये गोटे प्रधानमंत्री मोदी गोटे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी केजरीवाल मुंड टेकुं आप विभिन्न प्रसंग देखिए बर्तमान विरोधी दल केवल केजरीवाल नुहति आम आदमी पार्टी नुहे भारत बर्षर सब राजनैतिक दल गुणा अधिके बर्तमान ईडी हो सीबीआई हो विभिन्न केन्द्रीय संस्था को जो लगातार भाव में विरुद्ध लगे दि जाइए आपण बिहार तेजस्वी यादव हूँ महाराष्ट्र में आपणकर ये हूँ से जो संजय राउत हूँ एवं समस्ते दुई दिन तेज बाहर तमिलनाडु स्टालिन विषय बर्तमान आरंभ है केसीआर विरुद्ध आरंभ हो समस्त विरुद्ध गोटे सीबीआई और केन्द्रीय संस्था दुरुपयोग जमी मन हो स्वच्छता हंता ये अभियोग तदंतर स्वच्छता हंता जे बीजेपी कौन कौन नेता बीजेपी शासन विभिन्न राज्य अच्छी बहुत राज्य अच्छी समस्त नेता स्वच्छ समस्त नेता एक निर्मल भावमूर्ति संपन्न आने समस्त विरोधी दल शासित राज्य सर से मौलिक प्रश्न उठी जो कर्णाटक गोटे निर्वाचन को सामना करा जाऊँ से 40% कमिशन सरकार कथा उठू विरोधी उठाऊँच कहीं गोटे नेता को तो तदंत परिसरभुक्त कर प्रश्न भी से पचारुंच बीजेपी जे विधायक घर आप जानते 6 कोटी 8 कोटी टंका बाहर लांच ना बेला धरा पड़ा 40 लाख टंका सी एक मुक्त हो गले यही समस्त घटना आप जानते 14 दल मिसी सुप्रीमकोर्ट करते अवश्य सुप्रीमकोर्ट खारज कले कि समस्त घटना बोले अनुधान करवा निश्चित भाव जे कह विरोधी दल शासित राज्य गुड़िकर नेता मैंने भारत राजनीति जो प्रमुख नेता समस्त टार्गेट को आसुंच आज भी अनुमान कराऊँच आप दुई जन मंत्री सिसोदिया सत्येन्द्र जैन बर्तन जेल भी अच्छा जमीन बारंबार खारज होते खबर प्रकाश पाई आज सिसोदिया संपर्क से तलाश बेले से किसी मिल ना सीबीआई पाई ना कौन तथ्य सत्वे गिरफ्त करागला और विचार चली आईन अदालत कथा कि साधारण भाव में विचार करवा भाव में केन्द्रीय संस्था गुड दुरुपयोग कर व्यापक भाव में दुरुपयोग सर असुविधा हूँ कोर्ट रु परवर्त समय आश्वस्ति लाभ करेंगे कि चारिमास जेल रही सारे ये हूँ विड़म्बना व्यवस्था आपन को से सामना करने को भी पड़ो हाँ ये 2000 जेहेतु निर्वाचन पाखे आसूची निर्वाचन पाखे आसूची जो मैंने बर्तमान विरोधी एकता को सक्रिय करने आप 20 तारीख दिन राहुल गांधी बाहर राय प्रकाश पाइब सी टार्गेट रही है सदस्य पद को तरब 24 घंटा भितर रद्द कर दिगला और अल्प दिन भितर सरकारी घर भी छाड़ आप जानते जो मैंने समर्थक से सरकारी वर्ष वर्ष दिल्ली में सरकारी घर रही इवेन बर्तमान जी मोदी सब बड़ा समर्थक बनी पूर्वतन कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से दुई दुईट घर बिस्तरी रखी घर छाड़ा सी बर्तमान एमपी नुहति कि घर छाड़े नोटिस होनी राहुल गांधी को तुरंत घर छाड़ा नोटिस दिगला से घर छाड़ी
ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଅଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ପରିସ୍ଥିତି, ୟାକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତର ସାମ୍ନା ତ ସେମାନେ କରିବେ, ନ୍ୟାୟାଳୟର ସାମ୍ନା କରିବେ, ନଜର ରହିବ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏସ ଖବର ଉପରେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ।